जय येशु प्रभु येशु के सामर्थ्यवान नाम पर अभिवादन करता हूँ। फिर से 16वां दिन है हमारे बाइबल तीर्थ यात्रा के। याद दिलाता हूँ आपको, वचन का पाठ जीवन को बदल देने वाला कार्य करेगा। प्रभु वचन के प्रति उत्साह कम होने नहीं देना। कितने भी तकलीफ क्यों ना हो, परेशानियों के बीच में प्रभु कार्य करेंगे यदि आप वचन का सम्मान आदर करेंगे। वचन आपका आदर करेगा, मैं आपको वादा करता हूँ। बड़े बड़े चमत्कार प्रभु आपके जीवन में करेगा। वचन को नहीं ठुकराना, हर दिन पढ़ना, उत्साह दिखाना। आज प्रभु हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के आज हमें पढ़ना था 4 अध्याय 31 और 32, अय्यूब का अध्याय 16 और मत्ती के 16वां अध्याय। आज उत्पत्ति ग्रंथ के 31वां अध्याय में याकूब वापस जा रहे हैं 20 साल के बाद। कहां पे? अपने भैया एसाव, जिनको धोखा देते हुए आशीर्वाद इकट्ठा करके आया था, अपने मामा लबान के घर में रहा था 20 साल। और 20 साल में तकलीफ इतना ज्यादा बढ़ गया कि अभी उनसे रहा नहीं जा रहा, सहा नहीं जा रहा है। इसलिए प्रभु की प्रेरणा उनको मिली, वापस जाना अच्छा है, वहां पे मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा यदि तुम वापस जाओगे। इसलिए वो वापस जाने को सोचा। और उस घटना में जब वो वापस जाते हैं, तब बीच में उनसे मिलने के लिए लाबान आए, और लाबान से ये बात करते वक्त पिछले 20 साल के बारे में वो एक वर्णन देता है याकूब। सुनिए वचन 38 से, पिछले 20 वर्षों में से आपके साथ वर्षों से मैं आपके साथ रहा हूं। मैंने तो आपके झुंड की भेड़ों के मांस तक को कभी नहीं छका। जब कभी जंगली जानवरों द्वारा भी कोई बकरी या भेड़ मारी गई तो मैं उसे भी कभी आपके पास नहीं लाया। मैंने ही उस घाटे का भुगतान किया। जब कभी कोई पशु दिन में या रात में उठा लिया जाता तो आप उसकी पूर्ति मुझसे करवाते थे। मेरी हालत ये थी कि दिन भर तो मुझे गर्मी में झुलसना पड़ता, रात भर ठंड में ठिठुरना पड़ता। मेरी आंखों की नींद भी हराम थी। पिछले 20 वर्षों तक मैं आपके यहाँ ऐसे ही रहा। मैंने आपकी दोनों पुत्रियों के लिए 14 वर्ष तक और आपके पशुओं के लिए 6 वर्ष तक आपकी सेवा की। आप मेरी मजदूरी में भी 10 बार उलट फेर करते रहे। यदि मेरे पिता का ईश्वर अर्थात इब्राहिम का ईश्वर, वो जिस पर इसहाक की भी श्रद्धा दी, मेरा साथ नहीं देता रहता तो अवश्य आपने मुझे खाली हाथों भगा दिया होता। इसका मतलब क्या है? आशीर्वाद पाकर आए हुए एक बंदा जाते वक्त 20 साल के बाद अपनी हालत का बखान करते समय बोलता है, मेरे को अच्छा से नींद भी नहीं आई आपके यहां पर, 20 साल मेरी हालत ऐसी थी। मतलब क्या है? बराबर धोखाधड़ी इनके साथ हो रहा। अभी इतना ज्यादा तकलीफ हो गई कि रहा नहीं जा सकता। हालेलुया। मतलब यही है संदेश प्रभु ये देना चाहता है। प्रियजनों, आशीर्वाद तो इनके ऊपर था, लेकिन आशीर्वाद के बदले इनके साथ ज्यादातर कौन काम करता? उनका पुराना पाप काम करता है। किसी को धोखा दे के आया था, इनके साथ धोखा ही हो रहा है। तुम्हारा पाप तुमको ढूंढ निकालेगा। इसलिए 20 साल तक भले ही यहां पर रहा, आशीर्वाद नहीं बल्कि पाप ज्यादातर इसके अंदर कार्य कर रहा है, इनके जीवन में कार्य कर रहा है, लेकिन साथ साथ और कुछ कार्य कर रहा है। उसके विषय में वो कह रहा है, मेरा पिता इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर अगर मेरे साथ नहीं होता तो आज मेरी हालत क्या होती, मैं बोली भी नहीं सकता। मतलब ओ ईश्वर, उसके बावजूद मेरे साथ कार्य करा, ये ईश्वर की दया है। हमारे पापों के बावजूद हमको संभालता है, लेकिन हमारे साथ जो जो तकलीफ है, इतनी ज्यादा परेशानी जो आ रही है, यह सब प्रभु की मर्जी नहीं थी। आशीर्वाद पूरा हमारे अंदर कार्य नहीं कर रहा है, उसके लिए रुकावट थे पुराना पाप। अब उनको उस जगह में वापस जाना है, अपने भैया से मिलना है, पछतावा करना है,
माफी मांगना है, विनम्र बनना है, उसके लिए प्रभु उनको प्रेरणा दे रहे हैं, इसलिए वापस जा रहे हैं। हालेलुया। आगे बढ़ने के पहले अब मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा। 19वां वचन, ज़्यादातर लोग इसको पढ़ते समय आपके अंदर संदेह सच में आया होगा, वो ये है, उस समय राहेल ने अपने पिता के गृह देवताओं की मूर्तियां चुरा ली जाने के पहले। देखिए, ईश्वर पर विश्वास करने वाले परिवार पे ये मूर्ति की बात कहां से आई? प्रियजनों, कुछ पिता लोग इनके विषय में जब व्याख्या करते हैं बाइबल की, पंडित लोग उन लोग बोलते हैं कि देखो ये लाबान पक्का मूर्ति पूजा करता था और राहेल पापा की मूर्तियां इसलिए चुरा ली कि वो पापा को इस पाप से बचाना चाहती थी और इसको जाकर फेंकना चाहती थी जिससे इनको पाप करने की मौका ना मिले। कुछ पिता लोग व्याख्या करते समय ऐसा बताता है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं नहीं, राहेल अपने पिता के इस पाप की ये जो जाल में वो भी फंसी हुई थी। मतलब उनको भी थोड़ा सा विश्वास था कि ये मूर्तियां रहने से थोड़ी सी फायदा इनसे भी होती। प्रियजनों, इसलिए वो याकूब अपने पति को बिना बताए चुरा के आया। पति बिल्कुल इनको मौका, अगर पति को मालूम होते तो कभी इनको अनुमति नहीं देता। इसका मतलब क्या है प्रियजनों? संदेश यही है कि हमारे जैसे आज की हालत भी ऐसा है, विश्वास करने वाले कई परिवारों में मूर्तियों को भी रखते हैं। थोड़ा सा तंत्र मंत्र, जादू टोना, ओझा मती, वो भी चलता है बीच में, कोई समस्या नहीं है, वो भी होता है, ये भी होता है। इस तरह की एक चीज उस समय में रहा उनके बीच में, प्रभु ऐसे लोगों के बीच में कार्य किया। हमारे तरह दुर्बल कमजोर लोगों की कहानी है बाइबल में, मतलब ऐसे लोगों पर प्रभु तरस खा के और अपने आशीर्वाद को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए मेहनत करने वाला एक ईश्वर का प्रेम है, प्रभु की दया, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए बाद में 35वां अध्याय में, 35वां अध्याय बाद में पढ़ेंगे उसको, ईश्वर ने याकूब से कहा, वचन एक से, उठो बेथेल जाकर वहां बस जाओ, जब तुम अपने भाई एसाव के सामने से भाग रहे थे, ईश्वर तुम्हें दिखाई दिया था, उसी ईश्वर के लिए वहां वेदी बनाकर आराधना करो। इसलिए याकूब ने अपने परिवार और अपने साथ रहने वालों से कहा, अपने पास के पराए देवताओं को हटा दो, अपने आप को शुद्ध करो, अपने वस्त्र बदल दो। देखिए, उनको पता चला कुछ लोग, शायद मेरी पत्नी भी, इस तरह की देव मूर्तियों को थोड़ा सा साथ में लेके आए हैं, उनको पता चला, इसलिए प्रभु की आराधना करने के लिए वो इन सारे देव मूर्तियों को अपने परिवार से, खानदान से निकाल देता है, पूर्ण रूप से प्रभु के लिए अपने को अर्पित करता है। एक बंदा प्रभु के लिए जब दृढ़ रहता है, उनके द्वारा पूरे परिवार पे आशीर्वाद आ जाते हैं। इसलिए प्रभु पे पूरा पूरा भरोसा रखने के लिए प्रभु अन्य देवताओं को, पराय देव मूर्तियों को पूर्ण रूप से हमसे हटाने के लिए प्रभु आज हमको वापस बुला रहे हैं। हालेलुया। आज के लिए अगला संदेश है, स्वर्ग दूत के साथ याकूब एक कुश्ती लड़ता है। आपने पढ़ा होगा, उस जगह को उसने पनुएल नाम दिया, मतलब ईश्वर का चेहरा मैंने देखा। देखिए, उसके पीछे एक संदेश है। ये उस जगह है यब्बोक नदी के उस पार। यब्बोक नदी पार करने से याकूब अभी एसाव के पास पहुंचेगा। 20 साल के बाद अपने भैया से मिलने जा रहे हैं। देखिए उनके मन में क्या क्या होता होगा याकूब का। 20 साल पहले धोखा देकर गया था, अब उनके सामने जाना है, माफी मांगना है, शायद पाव पटना है, आसान चीज नहीं है। 20 साल के बाद उस व्यक्ति जिसको मैंने धोखा देकर गया था, उनको उनसे माफी मांगना, ये सब छोटी बात नहीं है, मेहनत करना पड़ता है उसके लिए। तो उसके अंदर एक युद्ध हो रहा है, मतलब वो अंतरतम में सच में एक एक कुश्ती लड़ रहा है कि
आज्ञाकारी बनूं, जाऊं, विनम्र बनूं या कहीं और चले जाऊं। प्रियजनों, हर एक व्यक्ति ईश्वर की इच्छा पर जब चलने लगता है उनके जीवन में इस तरह का अनुभव जरूर आएगा। इसलिए प्रभु ने कहा, ईश्वर के राज्य की ओर रास्ता जो है संकरा है, आसान नहीं। तो वो अनुभव से होकर यहां पर वो जा रहा है, तो स्वर्ग दूत के साथ कुश्ती लड़ता है और बाद में क्या होता है, सुबह तक वो स्वर्ग दूत जिनके साथ वो लड़ता है उसने याकूब के साथ क्या किया, उनको ऐसा जांघ की नस पर प्रहार किया और लड़ते लड़ते याकूब की जांघ का जोड़ उखड़ गया, भयानक दर्द में गिरा। तब भी उसने उस व्यक्ति को नहीं छोड़ा, स्वर्गदूत को पकड़ रखा है और स्वर्गदूत बोलता है मुझे जाने दो, मुझे जाना है। तब ये बोलता है मुझे आशीर्वाद नहीं दूंगा तो मैं जाने नहीं दूंगा। तब स्वर्गदूत यानी प्रभु उनको एक आशीर्वाद देता है, आशीर्वाद है अब से तुम याकूब नहीं बल्कि इसराइल जाना जाओगे, तुम्हारा नाम बदल देता हूँ। आशीर्वाद कार्य करने जा रहे, इसराइल मतलब है इश मतलब मनुष्य, एल मतलब एलोहिम ईश्वर, बीच में है इश राह, इब्रानी भाषा में राह का मतलब है तुम्हारे बुराई पाप, इसका मतलब इसराइल पूर्ण अर्थ क्या है, ईश्वर और मनुष्य दोनों के बीच में जो चीजें कार्य कर रहे हैं वो है मनुष्य का पाप। इसका मतलब ईश्वर के आशीर्वाद मनुष्य तक पहुंचने में बाधा बनकर जो कार्य कर रहे हैं वो तुम्हारा पाप है। ये बात प्रभु हमको याद दिला रहे हैं इसराइल नाम देते हुए। तो संदेश ही है, याकूब को आशीर्वाद मिल गया जब उसने फैसला लिया मैं जाऊंगा अपने अपने भैया से माफी मांगूंगा, पाप का मैं पुराने पाप के लिए प्रायश्चित करने के लिए पछतावा करने के लिए वो फैसला लेकर वापस जा रहा था। ईश्वर का आशीर्वाद उन पे कार्य कर रहा है, एक नई शुरुआत अभी हो रही है। लेकिन कैसे वहां से निकल के आ रहा है, लंगड़ते हुए, लंगड़ाता रहा, मतलब बहुत दर्द है। संदेश क्या है प्रियजनों, आपका लंगड़ापन मतलब आपकी कमजोरियां आपके संग संग चलेंगे लेकिन उसमें प्रभु आशीर्वाद को प्रकट भी करता जाएगा। बाद में प्रभु ने संत पौलुस को कहा, तुम्हारी दुर्बलता में मैं अपना सामर्थ्य प्रकट करूंगा। दूसरी बात, इनके साथ दर्द रहा, आशीषित है लेकिन दर्द भी है, आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं लेकिन दर्द भयानक साथ में जा रहे हैं। इसका मतलब आपका दर्द और आशीर्वाद ये दोनों अब जुड़ा हुआ रहेगा, आपके दर्द को प्रभु आशीर्वाद में बदलने जा रहे हैं। दर्द और संकट और आशीर्वाद ये दोनों संग संग अब चलेगा, इस दोनों को अब अलग नहीं किया जा सकता। आशीर्वाद अभिषेक साथ साथ लंगड़ापन और दर्द ये संग चलेगी, इसलिए डरना नहीं। हालेलुया। प्रियजनों, अब हम अय्यूब के जीवन से भी होकर चल रहे हैं इन दिनों। उनके जीवन में संकट, दर्द, परेशानी, पीड़ा धमने का नाम नहीं लेता, एक एक करके वो उसको प्रकट करते समय आंसू हमको भी आएंगे, इतना ज्यादा दर्द सहता है एक प्रभु का बंदा। लेकिन उसके बीच में एक शब्द आज 16:19, अब भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है, ऊंचाई पर मेरा समर्थक है, मेरा एक समर्थक है। इधर आप लोग कोई भी मेरा समर्थक नहीं है, सहायता देने सांत्वना देने आए लेकिन आप ऐसी सांत्वना देते हो कि मेरे दिल को छेदते हो, दुख देने वाले सांत्वना दाता है आप लोग, 16:2 में वो कहता है सबके सब दुखी देता है। हमारे जीवन में भी ऐसे होते हैं सांत्वना जिनसे हमें मिलना चाहिए लेकिन वो लोग ज़्यादा दुख देता है। ऐसी स्थिति में ये बोलता है ऊंचाई पर मेरा समर्थक है, स्वर्ग में मेरा एक साक्षी है, विश्वास एवं भरोसे का प्रकटन है।
विश्वास का साक्षी देता है। मुंह से ऐसा शब्द निकलता है, निराशा नहीं। प्रियजनों, संकट की घड़ी विश्वास एवं भरोसे को प्रकट करने का समय है। प्रभु हमें निराश होने कभी नहीं देगा। हालेलुया। अब हम मत्ती के सुसमाचार के 16वां अध्याय में एक सुंदर सी घटना देखते हैं। वो है प्रभु येसु ने शिष्यों से पूछा, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? इतने समय मेरे साथ रहा, क्या कहते हो? तब हमेशा की तरह सिमोन पेत्रुस आगे आया और बोला, सबों के लिए वो कहा, उसने कहा, आप मसीह है, जीवंत ईश्वर के पुत्र है। अध्याय 16 वचन 16, याद रखिए, अध्याय 16 वचन 16, आप मसीह है, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र है। मेरे साथ दोहराइए, आप मसीह है, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र है। हालेलुया। इस पर ईसा ने कहा, सीमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो। धन्य है वो व्यक्ति जो ये प्रकट करता है कि यीशु ईश्वर का पुत्र है। धन्य है वो, धन्य है आप जब जब आप इसको प्रकट करेंगे, यीशु मेरा प्रभु है, ईश्वर का पुत्र है, जीवित परमेश्वर है। जब आप प्रकट करेंगे, हमें कृपाएं मिलती है, हम धन्य बन जाते हैं। और ईश्वर उनको आध्यात्मिक अधिकार देते हैं, प्रभु उनको आध्यात्मिक अधिकार देता है। और मैं तुम्हारे, तुम पेत्रुस और चट्टान हो, इस चट्टान पर मैं कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे, मैं तुम्हें स्वर्गराज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। प्रभु उनको आध्यात्मिक अधिकार प्रदान करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एक संदेश उसके तुरंत बाद, उस समय से ईसा ये समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों, शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना, तीसरे दिन जी उठना होगा। अब पहली बार समझाने लगा, लेकिन इस पर पेत्रुस विचलित हो गया। तुरंत प्रभु को, ईसा को अलग ले गया और एक कहते हुए फटकारने लगा, ईश्वर ऐसा ना करे, प्रभु यहां पर कभी नहीं बीतेगी, ऐसा होने नहीं, होना ही नहीं, होने नहीं दूंगा। इस पर ईसा ने मुड़कर पेत्रुस से कहा, हट जाओ शैतान, तो मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। ईश्वर की बातें नहीं, मनुष्यों की बातें तुम सोचते हो। वही यीशु है, थोड़ी देर पहले कहा था तुम धन्य हो। वही पेत्रुस है जिसने थोड़ी देर पहले प्रभु से इतने आशीर्वाद का शब्द सुना था, लेकिन अब उसी को सुनना पड़ा, तुम शैतान। मतलब क्या है, संदेश क्या है? एक ही व्यक्ति पे एक साइड में तो इतना आशीर्वाद, प्रभु ने कहा तुम धन्य हो, ब्लेस्ड आर यू, लेकिन अब उसका एक साइड में प्रभु कहता है तुम शैतान, हट जा। ये सोच ईश्वर की ओर से नहीं है, तुम बाधा हो। मतलब देखिए, अब याकूब के बारे में सोचना है, आशीर्वाद पाया लेकिन दर्द में लंगड़ते हुए चल रहा है। आशीर्वाद उनके दर्द को एक ही बार के लिए मिटाया नहीं था। वचन कहता है आशीषित होकर, इसराइल होकर जब वो निकल के आया, कैसे, बहुत दर्द में, पैर में दर्द लेकर चल ही नहीं पाता था, लेकिन आशीर्वाद भी साथ है। इस बात पेत्रुस समझ नहीं पाया। पेत्रुस ने आशीर्वाद को और दर्द को दोनों दो साइड में रखा, आशीर्वाद मतलब दर्द नहीं, ऐसा सोचा। ये सोच प्रभु ने हमेशा के लिए
उनसे अलग कर रही किया और बोला, ये शैतान की ओर से है। एक बड़ा संदेश आने वाले दिनों में, इस संदेश को प्रभु हमारे हृदय में भरने देगा और स्थिर कर देगा। वो बात यह है, आशीर्वाद और दर्द ये दोनों अब जुड़े हुए हैं। बचाना किसी को है तो संकट और दर्द से होकर जाना ही पड़ेगा। यदि आपको मेरा शिष्य होना है तो अपने को त्यागना होगा, क्रूस उठाकर चलना होगा। क्रूस और आशीर्वाद और मुक्ति ये दोनों अब जुड़े हुए हैं। इस बात को जब जब आप ठुकराते हैं तब तक आप शैतान के वक्ता बनकर कार्य कर रहे हैं, प्रभु का नहीं। इसलिए प्रियजनों, इस बात को कभी अपने से अलग होने नहीं देना। जीवन के दुख और संकट में यदि आप कहते हैं यह सब दूर होने दो, यह सब मुझे नहीं चाहिए, ये बात प्रभु की ओर से नहीं है बल्कि कहीं और से है, प्रभु के विरोधी से। इसलिए हम प्रभु के साथ रहना चाहते हैं। क्रूस, दर्द, संकट प्यार से लेकर चलेंगे, हिम्मत न हारेंगे। आज प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। आशीर्वाद यह है, ये वचन की योग्यता आपके हिम्मत को बढ़ाए, धैर्य को बढ़ाए, सहन शक्ति को बढ़ाए, निराशा आपसे दूर हो जाए। यीशु प्रभु के सामर्थ्यवान नाम की महिमा आप पर प्रकट हो जाए, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन। जय जसु।